हेलो दोस्तों, वेलकम टू चार गेमर। आज मैं यहाँ पे फिर से खेलने वाला माइनक्राफ्ट, इसका 6 एपिसोड आ गया है। आज बहुत ज़्यादा मजा आएगा क्योंकि यार यहाँ पे मैंने सीक्रेट लोकेशन को फाइंड करा है, वो भी चार चार लोकेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चार लोकेशन मतलब कि दो लोकेशन छोटे सी और भाई दो लोकेशन बढ़िया है, और एक लोकेशन तो सबसे बढ़िया यार जो मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इसलिए भाई पूरी वीडियो वॉच करना, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार जिसने नहीं किया है, और भाई बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है माइनक्राफ्ट के अंदर। तो गाइस फटाफट से यहाँ पे मैं तो भाई आ चुका हूँ यहाँ पे, और फटाफट से यहाँ पे देख लेते हैं पीछे की तरफ। भाई देख रहे हो यार क्या व्यू है यार, बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे थोड़ा भाई यहाँ पे रेंडरिंग हो रहा है, चलो भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गया तो। और भाई यहाँ पे सामने तरफ अपना वही है, चलो फार्म है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई यहाँ पे मैंने एलविल तो रखा ही हुआ, आपको पता ही है। और यहाँ पे भाई हम कुछ भी यार क्राफ्ट कर सकते हैं, मतलब क्राफ्ट नहीं मतलब इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो कहा जी रिपेयरिंग, भाई फॉर्चून 3 मैंने इसमें लगाई हुई है पिकेक्स में, और भाई दोनों में लगाई हुई है, डायमंड वाले में भी और आयरन वाले में भी। क्योंकि यार देख रहे भाई कितनी सारी बुक है मेरे पास फॉर्चून 3 की। मैं आज आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि मैं फॉर्चून 3 कहाँ से ले रहा हूँ, ये कहाँ से मैं परचेज कर रहा हूँ, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी इसी वीडियो के अंदर। तो कहा इसलिए फटाफट से भाई निकलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। और भाई यहाँ पे देखो कितने सारे भाई ये स्लाइम बॉल है, जो मैं एग बोल रहा था ना ग्रीन वाले को, ये स्लाइम बॉल होते हैं भाई, ये यूज़ होता है, मैं आपको बता दूँगा उसका यूज़ क्या है। और भाई यहाँ पे मैंने कितने सारे क्राफ्ट कर लिए, एंचाइटिंग टेबल वगैरह, ये सब भाई वहाँ पे विलेजर्स के लिए, क्योंकि मैं विलेजर्स को बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ, ठीक है। और भाई इससे पहले मैं आपको यहाँ पे अपना फार्म भी दिखाने वाला हूँ, जिससे कि भाई वहाँ पे मैंने बहुत सारे जानवर ला चुका हूँ, मतलब जो जो है भाई वो मैं ले आया हूँ, और भाई बाकी हम बाद में लेके आ जाएंगे। और यार मेरे पास हॉर्स तो है नहीं यार अभी, क्योंकि यार मुझे हॉर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यार मुझे इधर उधर जाना पड़ता है, तो भाई हॉर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो इसलिए भाई हॉर्स देखना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे अपने बढ़िया भाई यह फार्म देखो कितना बढ़िया लग रहा है, यहाँ पे भाई सबसे बढ़िया खेती हो रही है अपनी। तो चलो भाई यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ पे बर्फ़ पड़ती रहती है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम है यार यहाँ पे खेती के लिए ना, तो यार ये थोड़ी सी प्रॉब्लम। तो गाइस सामने देख लो गाइस यहाँ पे भाई सारे सारे मैं यहाँ पे लेके आ चुके हैं, यहाँ पे मुर्गियाँ भी आ चुकी हैं। ओ भाई ये देखो भाई ये अंडे देते हैं यार, चलो भाई इसको मैं खाना देता रहता हूँ टाइम टू टाइम। और भाई यहाँ पे ये भी है यार भेड़ भी अपनी, चलो भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गया। और यहाँ पे भाई देख लो अपनी ये भी है गाय, और यहाँ पे तो ये भाई प्यारे प्यारे खरगोश भी हैं, और यहाँ पे ये पिगी भी हैं। तो गाइस मैंने फिलहाल तो इन्हीं को पाला हुआ है, और भाई बाकी मैं देखता हूँ कि किसको पालता हूँ, है ना। तो यहाँ पे जल्दी से निकलते हैं फटाफट से, कोई खाने की तो कमी तो नहीं है और ना लेदर की कमी होगी अभी। और भाई यहाँ से जल्दी से फटाफट निकलते हैं अभी। भाई मैं नेक्स्ट न्यू लोकेशन पर लेकर जाने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैंने एक स्पॉइनर देखा था, लेकिन वहाँ पर एक चेस्ट भी देखी थी, लेकिन मैंने उस चेस्ट को ओपन नहीं करा, क्योंकि यार मैंने इसलिए नहीं करा, मैंने सोचा कि भाई वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया जाए, इसलिए भाई मैंने अभी इसको नहीं करा, ताकि यार एक्साइटमेंट बनी रहे मेरी, है ना, इसीलिए। तो क्या यहाँ पे व्यू देखो कितना बढ़िया आ रहा है यार अपना। भाई मैं बहुत जल्दी भाई अपने घर को भी बिल्ड करने वाला, मतलब बिल्ड हुआ पड़ा है, लेकिन थोड़ा सा बड़े लेवल पे करने वाला, थोड़ा बड़ा करूँगा उसका घर को, है ना। तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और भाई यहाँ पे चलते हैं सामने की तरफ, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक टॉर्च प्लेस करी थी, और यहाँ पे ऑटोमेटिक यार यहाँ पे ना बर्फ़ की वजह से ना मिट्टी है जो, तो भाई ये ना डर्ट ना अंदर की तरफ धसे जा रही है, और अपना आप यहाँ पे होल हुए जा रहे हैं, क्योंकि यार पहले यहाँ पे जब मैं आया था स्टार्टिंग में जब होल नहीं थे, लेकिन भाई धीरे धीरे यहाँ पे भी होल बनने स्टार्ट हो चुके हैं। तो कोई बात नहीं भाई, यहाँ पर केव बन के तैयार हो जाएगी यार अपने आप ऑटोमेटिक। तो भाई फटाफट से मैंने टॉर्च कहाँ पे प्लेस करी थी, ये नहीं भाई अपनी वो टॉर्च जो कि मिल चुकी है। और मैं इधर से भाई ऐसे ही मैं रैंडम गया था, क्योंकि यार मैंने यहाँ खुदाई करते हुए जा रहा था भाई, वो क्या नाम है, मैं गोल्ड फाइंड करने के लिए गया था यहाँ पे रैंडमली इस तरफ से, है ना। तो भाई यहाँ से चलते इस तरफ, और यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ, मैंने यहाँ पे एक सीढ़ी बना के मैं नीचे की तरफ गया था, सामने की तरफ तो कुछ भी नहीं है, और भाई यहाँ से मैं नीचे की तरफ गया था। तो कहीं यहाँ पे मैं ऐसे खोदते हुए जा रहा था सामने तरफ, और यहाँ पे भाई मुझे आवाज़ आई थी भाई, पता नहीं कैसे कैसे आवाज़ आती रहती है इसके अंदर माइनक्राफ्ट में, भाई ये तो मुझे नहीं पता, अपडेट हो चुका है ना इसीलिए। देखो गाइस यार आवाज़ आती रहती है यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, अभी मैं थोड़ा सा नीचे निकलता हूँ और यहाँ पे टॉर्च प्लेस कर देता हूँ। तो गाइस देख रहे हो कैसे कैसे आवाज़ आ रही है, साउंड आ रही है भाई पता ही नहीं। अब भाई इस तरफ निकलता है, मैंने इस तरफ से भाई यहाँ पे कोई कीड़े की आवाज़ आ रही थी, मतलब स्पाइडर की आवाज़ आ रही थी यार। तो भाई मैं मुझे इसी तरफ जाना है, क्योंकि मैंने यहीं इसी तरफ वो देखा था उसका स्पॉइनर। तो भाई जल्दी से निकलता है धीरे धीरे, है ना, चलो भाई धीरे धीरे निकलते हैं यहाँ से। ओ भाई यहाँ पे कितना ज़्यादा अंधेरा यार, भाई केव में तो अंधेरा रहता है, इसलिए भाई टॉर्च प्लेस करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको यार अच्छे से दिख पाए और भाई मुझे भी दिख पाए। तो कैसे देख रहे हो सामने की तरफ, ओ भाई ये कीड़ी, ओ भाई ये तो भाई कीड़े का स्पॉइनर है यहाँ पे, इसको पेलता हूँ पहले। अबे तू हट स्पाइडर हट यहाँ से, तो कैसे इसको फिर मार दे, अभी ऊपर चढ़ के क्यों बैठ गई नीचे, बहुत तेरी गई, ये तो गई भाई। तो कैसे स्पॉइनर यहाँ पे भाई मुझे यहाँ पे कीड़े का स्पॉइनर मिल चुका है, भाई कीड़े का स्पॉइनर देखते हैं हम कैसे यूज़ कर सकते, कब यूज़ करेंगे वो भाई मैं आपको बता ही दूंगा, है ना। तो भाई इसलिए मैं इसको तोड़ने वाला नहीं हूँ। तो गाइस ये अपनी एक फर्स्ट छोटी सी लोकेशन है, आपको तो मैंने बताई दिया है, जो मैंने सीक्रेट लोकेशन आपको दिखाई है, अभी भाई और लोकेशन है और वो भी बढ़िया वाली है, वो बहुत बड़ी भी है, ठीक है, मैं आपको वो दिखा दूंगा। तो गाइस बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है आज की वीडियो में। और यहाँ पे मुझे डायमंड का हॉर्स आर्मर मिल गया यार, और यहाँ पे भाई मुझे कुछ थोड़ा सा गोल्ड भी मिल गया है, गोल्ड की ईंटें मिल गई भाई, बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गया। और यहाँ पे एक सैडल भी मिल गया है, सैडल की कमी नहीं है मेरे पास, सैडल तो भाई मेरे पास तीन मिल चुका है पहले से ही ऑलरेडी, क्योंकि आपको पता है उस वाले चेस्ट में मिल गई थी मुझे, जिसने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी उसमें मेरे को मिल गया था। तो गाइस फटाफट से अब यहाँ से निकलता हूँ, भाई रेड में भी मैंने ली थी। तो गाइस फाइनली भाई यहाँ पे मैंने अपना सामान वहाँ से भाई डायरेक्ट आके यहाँ पर रख दिया है, क्योंकि यार थोड़ा
थोड़ा सा वीडियो कटिंग करके चलना पड़ेगा, क्योंकि यार नहीं तो ऐसे लंबी है और ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए भाई मैं नहीं चाहता हूँ कि आप बोर हो जाएं, इसलिए भाई मैं चाहता हूँ कि आप पूरी वीडियो देखें और जिससे कि आपको मज़ा आता रहे यार वीडियो में। तो गाइस फटाफट चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर। भाई मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि भाई मैं अपनी फॉर्चून 3 बुक कहाँ से परचेज करता हूँ। तो गाइस मैं वो आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो गाइस फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। तो गाइस मैं इस तरफ आ चुका अपने विलेज की तरफ, जो छोटा सा अपना प्यारा घर है यहाँ पे सभी का, और भाई यहीं पे अभी विलेजर्स रहते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने इसको अपग्रेड किया हुआ है भाई फुल एंड फुल, और भाई यहाँ पे देख रहे हो मैंने इसको काम दिया हुआ था, और यहीं से भाई मैं यहाँ पे फॉर्चून 3 लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखो 27 एमरल्ड लगते हैं भाई, और एक बुक के साथ फॉर्चून 3 दे देता है मुझे। और यहाँ पे बैंडिंग है, पता नहीं है क्रैश ऑफ बैंडिंग क्या होती है भाई, ये नहीं पता मुझे किस यूज़ में होती है। फॉर्चून 3 का तो पता है भाई फॉर्चून 3। चलो अभी उससे पहले मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ यार, मैं गलती से इसको लिया यार, कोई नहीं इसकी चेस्ट में रख देता हूँ, गायब नहीं करेगा। चलो भाई यहाँ पे एक ये विलेजर है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा भाई फार्मर वाला विलेजर। इसको भाई मैंने अपग्रेड करा हुआ है जिससे कि मैं इससे भाई एमरेल ले सकूँ। तो गाइस मैं एमरेल लूँगा तभी तो यार मैं भाई यहाँ पे बढ़िया से कर सकूँगा ना उससे परचेज फॉर्चून 3। तो गाइस मैं फॉर्चून 3 का उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो गाइस फॉर्चून 3 लेवल का यार फॉर्चून 3 है, वो फॉर्चून 1 और फॉर्चून 2 नहीं है, फॉर्चून 3 है। तो गाइस फॉर्चून 3 का मतलब होता है कि आप पिकेक्स में लगाते हो तो भाई आपको कुछ भी आइटम हो, जैसे कि मान लो कि आप जैसे डायमंड हो तो भाई डायमंड आपको एक की जगह 3 भी मिल सकते हैं। तो गाइस ये चीज़ है भाई इसकी फॉर्चून की, भाई फॉर्चून जितने लेवल के उस हिसाब से मिल सकते हैं आपको, है ना। तो 2 भी मिल सकते हैं, 1 भी मिल सकता है और 4 भी मिल सकते हैं। तो गाइस ये चीज़ होती है, 4 तो नहीं मिलेंगे, 3 तक तो मिल सकता है क्योंकि लेवल 3 तक का है। तो गाइस फाइनली यहाँ पे मैं ऐसे ही आया था रैंडमली ना, यहाँ पे खुदाई करते हुए आया था यहाँ पे गोल्ड फाइंड करने के लिए। लेकिन भाई यहाँ पे मैंने जस्ट इसको खोदा था ना, तो भाई मैंने नीचे की तरफ देखा था कि बहुत बड़ा होल हुआ पड़ा है, इसीलिए भाई देखो साइड से होल आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि मैं यहाँ से नीचे गया था और यहाँ से डायरेक्ट ऊपर आ गया था मैं भाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था और मेरे पास टॉर्च भी नहीं थी। तो भाई मैंने इसीलिए सोचा था कि भाई अपनी टॉर्च को यहाँ पे पहले प्लेस कर देता हूँ। सामने भाई लावा भी दिखाई दे रहा था, अभी देखते हैं। तो गाइस फाइनली यहाँ पे मैंने टॉर्च तो भाई प्लेस कर दिया, लेकिन इसको भाई खुदाई करते नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आवाज़ आ रही है किसी की, ओ भाई स्लाइम बोल की आवाज़ आ रही है, जो वो कीड़ा से घूमता रहता है वो ग्रीन वाला मॉन्स्टर। अभी जाके देखते हैं नीचे। तो गाइस फाइनली मैं नीचे तक जंप करके आ चुका हूँ, अब हट यहाँ से। अबे तेरी के ये तो भाई बहुत सारे मॉन्स्टर, जल्दी टॉर्च प्लेस करते हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा यार यहाँ पे। जल्दी से भाई यहाँ पे टॉर्च प्लेस कर दिया, ये देखो गाइस घूमता हुआ आ रहा है। ओ भाई तीर कौन मार रहा है, अबे तेरी तो रुक भाई, तो तीर मारे जा रहा है यार। चलो कोई नहीं भाई, मैं आगे की तरफ निकलता हूँ, मैं आपको बिग वाली सीक्रेट लोकेशन के पास लेके जाने वाला हूँ। लेकिन भाई यहाँ पे देख लो कैसे, अबे स्पाइडर तेरी तो ऐसे की तैसे, हट यहाँ से तू। ये स्पाइडर क्यों आ जाती है यार, ये तो भाई बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, हट यहाँ से तू भाई। इसका तो भाई खात्मा मैंने कर दिया है, और भाई यहाँ से आगे तरफ निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सीक्रेट लोकेशन बिग वाली दिखाने वाला हूँ, जो कि मैं बड़ी लोकेशन की बात कर रहा था। तो भाई यही है वो सीक्रेट लोकेशन, इस तरफ से आगे निकलता है पहले, क्योंकि यार यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको, आगे वाली वीडियो आने वाली में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो भाई जल्दी से यहाँ से निकलते हैं फटाफट से। ये भाई यहाँ पे मैंने सेट कर लिया थोड़ा टॉर्चेस, क्योंकि टॉर्चेस ख़त्म हो चुके हैं वाली, अभी 64 ओवर है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। ओ भाई सामने भाई कीड़ा डोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पे इस तरफ भी टॉर्च प्लेस कर देता हूँ, ये ले भाई। भाई यहाँ पे काफ़ी अंधेरा होता है केव के अंदर, है ना, अगर टॉर्च न लगाए तो भाई यहाँ पे हमारी बैंड बज जाएगा, हमें तो दिखाई नहीं देगा। चलो कोई नहीं भाई, कीड़े की बैंड बजाते पहले। अब हट जाए यार कीड़े, क्या कर रहा है तू भाई। यहाँ पे फाइनली कीड़े की तो मैंने बैंड बजा ही दी है, और यहाँ पे टॉर्च प्लेस कर देते हैं फटाफट से। भाई आवाज़ तो आ रही है किसी की, अब क्रीपर आई है यार, इस क्रीपर की बैंड बजाओ पहले, हट यहाँ से तू। अबे फट मत, अबे तेरी तो फट गया है तो। चलो कोई बात नहीं भाई, यही वाले सीक्रेट लोकेशन की मैं आपको बात कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे रेल के ट्रैक मिल चुके हैं यार भाई, यही तो सीक्रेट लोकेशन है। आपको मैं दिखाता हूँ सबसे बड़ी लोकेशन है, सामने तरफ टॉर्च भी जल रही थी, मैं वहाँ पे नहीं गया हूँ, ये ऑटोमेटिक पहले से टॉर्च जली हुई है। मैं भाई यहीं तक आया था, यहीं से मैं वापस चले गया था। तो गाइस यहाँ पे देख रहे हो फाइनली भाई, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, यहाँ पे रेलवे ट्रैक का भाई भाई बढ़िया मज़ा आने वाला है भाई। अब मुझे रेल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रेल का ट्रैक मुझे यहीं पर मिल जाएंगे ना। वो यहाँ पर रेड स्टोन डस्ट मिल गया है, रेड स्टोन डस्ट नहीं है भाई, ये ग्लो स्टोन है। तो गाइस फाइनली मेरे को ये मिल चुका है, चलो कोई दिक्कत। अबे कौन मेरी बैंड बजा रहा है पीछे से, अबे इसकी बैंड बजाता हूँ पहले रुक भाई। यहाँ पे दो मॉब्स आ चुके हैं, इनकी बैंड बजाते हैं। अबे हट जाए ऐसा तू भाई, ये तो गया, ये भी गया, अब हट जाए तू, हट हट। चलो भाई यहाँ पे इनकी मॉब्स की तो मैंने बैंड फाइनली बजा दी है, अब फटाफट से पहले ऊपर की तरफ। यहाँ पे मुझे कुछ लैपिस दिख गए हैं, इससे जल्दी से ले लेते हैं, जल्दी से भाई इस फटाफट से ले लेते हैं इसको भाई। ये भी मैं यूज़ करने वाला हूँ बहुत जल्दी, अभी यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ मैं फिलहाल, तो मैं ऐसे माइनिंग कर रहा हूँ फिलहाल तो। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई यहाँ से पहले फटाफट से मैं सोच रहा हूँ कि यार यहाँ पे रेल ट्रैक तो है ही, उससे पहले मैं सब जगह टॉर्च लगा देता हूँ, मैं अच्छे से एक्सप्लोर कर लेता हूँ इसको एरिया को ना, उसके बाद ही मैं इसको यहाँ पे खुदाई वुदाई करने वाला हूँ। ओ भाई यहाँ पे देखो स्लाइम बॉल कैसे घूम रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, स्लाइम मॉन्स्टर है यार ये, स्लाइम बॉल तो भाई ये देता है ना मैं। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, कुछ ही बोल दो यार। चलो भाई यहाँ से निकलते हैं फटाफट से, भाई आपको मैंने यहाँ पे एरिया तो दिखाई दिया, फटाफट से पहले यहाँ पे इसको तोड़ लेते हैं, क्योंकि यार वुड की भाई बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली हमें, क्योंकि यार हम वहाँ पे
मैं आपको दिखाई दूंगा कि वुड की क्यों जरूरत है भाई। हम वुड से भी मैं अपना घर भी बनाना चाहता हूँ ना, मतलब और ज़्यादा अपग्रेड करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे, है ना। इसलिए भाई हमें वुड की भी जरूरत पड़ेगी। और भाई यहाँ पे देख रहे हो मेरे पास यार मेरा बैग फुल हो जाता है बहुत जल्दी। चलो कोई नहीं भाई, यहाँ पे पहले इसको निकाल लेते हैं, क्राफ्टिंग टेबल को यहीं पर रख देता हूँ। अब चलते हैं भाई सबसे पहले इस तरफ। ओ भाई यहाँ पे क्या लोकेशन लग रही है भाई, मुझे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया है यार ये लोकेशन। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पे भाई पहले थोड़ा सा यहाँ पे वुड ले लेते हैं, क्योंकि यार यहाँ पे मुझे एक चेस्ट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो भाई मैं इसलिए चेस्ट को इसलिए क्रिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि यार यहाँ पे जो भी आइटम मुझे मिलेगा ना, जितना भी आइटम मिलेगा मैं सारा भाई चेस्ट में रखूँगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि भाई यहाँ पे कितना ज़्यादा आइटम मुझे यहाँ से मिला है। इसलिए भाई यहाँ पे मैं जल्दी फटाफट से यहाँ पे चेस्ट को क्रिएट कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली एक चेस्ट को मैंने फिलहाल तो क्रिएट कर लिया है, और यहाँ पे इसको रख देते हैं। और भाई जो भी मेरे पास सामान पड़ा हुआ है सारा मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ। फटाफट से यहाँ पे इसके सारा का सारा सामान निकाल देते हैं इस चेस्ट के अंदर। तो ये ले भाई, ये ले सारा सामान रख देते हैं जो मैंने कलेक्ट किया है यहाँ से। तो कहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान मुझे लगता होने वाला है, क्योंकि यार ये लोकेशन मेरे को बड़ी लग रही थी देखने में। अभी भाई देखते हैं, अभी तो फिलहाल मैंने इतना ही देखा है, अभी पहले सामान सारा रख लेते हैं, उसके बाद मैं सारा आइटम देखने वाला हूँ। तो कहीं फटाफट चलते हैं इस तरफ, और यहाँ पे टॉर्च प्लेस करते हैं, देखते हैं कहाँ तक ये एरिया। भाई कितना ज़्यादा अंधेरा है यहाँ पे सामने। ओ भाई यहाँ पे नीचे देखते हैं, और भाई तो खाई है। तो कहीं नीचे भाई मुझे टॉर्च प्लेस करनी पड़ेगी भाई, सारा आज हम एक्सप्लोर करने वाले इसी वीडियो के अंदर। और भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला वीडियो आज की होने वाली, आपको पता ही है। तो भाई जल्दी से फटाफट से यार यहाँ से निकलते हैं। मैं सोच रहा हूँ ऊपर की तरफ चले जाऊँ यार, है ना, ऊपर से एक्सप्लोर करते हुए चलते हैं। तो भाई फटाफट चलते हैं यहाँ से ऊपर की साइड पे, मैं सोच रहा हूँ चले जाता हूँ। और यहाँ पे भाई काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हुआ पड़ा है, यहाँ पे भी टॉर्च प्लेस कर देते हैं। तो गाइस फाइनली यहाँ पे टॉर्च प्लेस कर दिया। वो ऊपर क्यों नहीं चढ़ पा रहा हूँ यार मैं, अबे चढ़ यार। अबे ये अच्छा पत्थर अट रहा है भाई ऊपर की तरफ, स्टोन अट रहा है भाई, स्टोन को तोड़ते हैं पहले और यहाँ से ऊपर निकलते हैं। तो गाइस फाइनली देखते हैं भाई हमें यहाँ पे क्या क्या सीक्रेट चीज़ें मिलने वाली है। ओ भाई यहाँ पे भाई मुझे एक बोगी मिल चुकी है, और यहाँ पे एक चेस्ट भी रखी हुई है इसके अंदर। देखते हैं इसको ओपन करके क्या मिलेगा। ओ भाई यहाँ पर रेल ट्रैक है, पावर्ड रेल मिल चुकी है मुझे भाई, रेल भी मिल चुकी है, और भाई यहाँ पे एक्टिवेटर रेल भी मिल गई है भाई, बहुत ज़्यादा मजा आ गया। यहाँ पे गोल्डन एप्पल मिल गया, और यहाँ पे ग्लो बेरीज मिल गई है, और बिटरोट सीड तो मेरे पास है पहले से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई ये कहाँ से आ गया अब इस तेरी तो। चलो भाई ये तो एक में गया भाई, मज़ा आ गया ये आइटम लेके। तो यार भाई ऐसे मेरे को बोगी मिल जाए ना 6-7, तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा भाई, बहुत ज़्यादा आइटम वैसे हो जाएगा अपने पास, है ना। तो भाई जल्दी फटाफट इसको भी ले लेते हैं रेल ट्रैक को, और भाई यहाँ पे थोड़ा इसको ऊपर रख देते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा आगे की तरफ जाके देखता हूँ, पहले सारा है ना एक्सप्लोर कर लेते हैं, इधर से जाके देखते हैं कि है क्या यहाँ पे। यहाँ पे तो आगे जाके देखते हैं, यहाँ पे गोल्ड मिल गए, लेकिन उससे पहले यहाँ पे रास्ता ही बंद आ गया भाई, इससे आगे रास्ता ही नहीं है यार। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे फटाफट से मैं इसको तोड़ने वाला हूँ, डायमंड कह रहा हूँ भाई, इसको गोल्ड को तोड़ लेते हैं भाई यहाँ से, जल्दी फटाफट से तोड़ते हैं। तो गाइस फिलहाल तो मैंने अभी इसमें यहाँ पर क्या नाम है Fortune 3 इसमें नहीं लगा रखे, Fortune 3 में अभी लगा के आऊँगा बाद में, उससे पहले फिलहाल तो अभी ऐसे तोड़ लेता हूँ, क्योंकि यार कोई दिक्कत नहीं है यार, तोड़ लेंगे यार, गोल्ड ही तो है भाई, गोल्ड ज़्यादा था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई यहाँ पे टॉर्च को ले लेते हैं भाई, टॉर्च की कमी पड़ सकते हैं भाई यहाँ पे, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा मेरे को तो होल देख के भाई बहुत ज़्यादा बड़ी लोकेशन लग रही है। तो गाइस फटाफट से मैं इस तरफ आ चुका हूँ वापस, जहाँ से मैं वहीं से खुदाई करके सारा आइटम यहाँ पर रख देते हैं पहले, और फिर मैं वापस से जाने वाला हूँ सर्वाइव करने के लिए आगे की तरफ। तो गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो गाइस चलते हैं भाई, मैं जा रहा हूँ वापस से ऊपर की तरफ, जाना चाहता हूँ, क्योंकि यार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा, ऊपर से मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी हाइट तक है भाई यहाँ पे इनका ये एरिया। और भाई यहाँ पे अजीब आवाज़ें आ रही है यार, चलो कोई नहीं। और यहाँ पे भाई यहाँ पे रेल ट्रैक नहीं बिछे हुए, यहाँ पे चेन लगी हुई है भाई, चेन किस काम आती है भाई, डिजाइन के काम आती होगी भाई, कोई नहीं चेन लेंगे। अबे ये कौन आ गया, अबे तू मेरे को नीचे गिराएगा क्या पागल है क्या, ये ले तेरी बैंड बजाता हूँ पहले, हट यहाँ से तू। अबे मरा नहीं कि बैंड बजाता हूँ, ये 3 बारी में मरता है ना नॉर्मल क्रॉस बॉस से, ये ले भाई ये 3 बारी में जा चुका है। चलो भाई इसका तो काम खत्म यहाँ पे, अबे ये मॉब्स आ गए यार, चलो कोई नहीं। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे टॉर्च प्लेस कर देता है फटाफट से, और भाई यहाँ से निकलते हैं सामने की तरफ। उससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं भाई कितनी तगड़ी खाई है यार यहाँ पे, भाई नीचे गिर गया ना तो हमारी बैंड बच जाएगी। चलो कोई बात नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आगे जाने के लिए, इधर से तो नहीं जाऊँगा भाई, यहाँ पे भी देखो नीचे भाई खाई है। अब चलते हैं यहाँ से वापस, और भाई वहाँ से मैं राइट साइड जाके आगे जाने वाला हूँ। और भाई यहाँ पे सारी जितनी भी लकड़ियाँ हैं ना, जितनी भी भाई यहाँ पे वुड्स लगी हुई हैं ये भाई सारी मैं यहाँ पे कलेक्ट कर लूँगा, सारा के साथ कुछ भी नहीं छोड़ने वाला मैं इस एरिया में, पूरा होल रहेगा वैसे खाली। तो भाई फटाफट से, ओ भाई यहाँ पे मुझे एक और बोगी मिल चुकी है, और भाई मैं इसको लेके आने वाला हूँ। वैसे इसका नाम माइनक्राफ्ट है जो ये जिसको मैं बोगी बोल रहा हूँ। और भाई यहाँ से निकलते हैं पहले फटाफट सामने की तरफ, और भाई यहाँ पे ये पीछा आ चुका है मेरे। चलो अब इससे स्लाइम बॉल निकालते हैं, अब हट यहाँ से तू, ये ले भाई इसकी तो। अबे एक में से दो निकल, अबे नहीं मेरी नीचे बोगी गिराएगा क्या ये, भाई मैं नीचे नहीं जाना चाहता, मेरे नीचे बहुत सारे मॉन्स्टर की आवाज़ आ रही थी मुझे, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। अबे हट यहाँ से तू, ये ले भाई सबके भाई स्लाइम बॉल बना दी मैंने, और यहाँ पे इसको ओपन करके देखते हैं। ओ भाई यहाँ पे मुझे रेस्ट ऑन डस्ट और लैपी लूजेज, और भाई यहाँ पे पावर रेल वगैरह मिल चुका, टॉर्च भी मिली है।
भाई टॉर्च की तो हमें जरूरत है यार, इसलिए भाई सही टाइम पे टॉर्च भी हमें मिल गई है। और क्या चाहिए भाई, मज़ा ही आ रहा है भाई आज तो। चलो भाई यहाँ पे लूट बढ़िया हो रही है भाई, आज मस्त लोकेशन मिल गई अपनी, सीक्रेट लोकेशन है बढ़िया वाली। ओ भाई फाइनली मैंने इसको भी कलेक्ट कर ही लिया है। और भाई यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो कितनी तगड़ी यार यहाँ पे खाई है। ओ भाई जहाँ जहाँ पे मैं टॉर्च प्लेस करी भाई, वहाँ वहाँ मैं टॉर्च प्लेस कर ही जा रहा हूँ, जैसे कि भाई मैं एरिया देख सकूँ ये कितना बड़ा है। यहाँ से किसी की आवाज़ आ रही है यार, उससे पहले आप, ओ भाई यहाँ पर टॉर्च मैंने लगा दिए, आगे रास्ता नहीं है। अबे ये आवाज़ नीचे से आ रही है, ओ स्पॉइनर है। अबे स्लाइम बोल का स्पॉइनर है क्या? नहीं भाई कीड़े का स्पॉइनर है, लेकिन फंस चुके हैं दोनों के दोनों भाई, जाल में फंस गए यार। ये तो भाई देखने को मिल चुका है, बढ़िया हो गया यार, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई। आप भी मुझे कमेंट में वीडियो मतलब कमेंट में मुझे बता देना कि आपको यार वीडियो में मज़ा आता है या नहीं आता भाई, मैं तभी तो यार आगे वीडियो बना पाऊंगा ना, नहीं तो भाई मैं नहीं बनाऊंगा वीडियो अगर आपको मज़ा नहीं आएगा तो, है ना। तो गाइस फटाफट से यहाँ पे मैं टॉर्च प्रेस कर दिया, यहाँ पे रास्ता, अच्छा यार यहाँ पे बन दिया। ओ यहाँ पे रेस्टोरेंट डस्ट है यार, इसको कैसे भूल सकते हैं भाई, ये हमें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, इसलिए भाई इसको मैं कलेक्ट करता रहता हूँ। अभी से हम कलेक्ट करेंगे ना तो आगे जाके हमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि अगर मैं एक्टिवेट फार्म बनाऊँ, एक्टिवेट फार्म बनाने के लिए भाई पता नहीं सर्वाइव में कैसे बनाते हैं, लेकिन भाई उसके बारे में इसकी इतनी नॉलेज नहीं है, इसीलिए भाई मैं यहाँ पे सारे के सारे जो भी मिलता है आइटम कलेक्ट करते चलो, जिससे कि भाई अपने को कमी ना हो किसी भी चीज़ की, है ना। तो गाइस फटाफट से जंप कर लेते हैं। ओह भाई कितनी तगड़ी जंप करी है मैंने, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ओह भाई देखो भाई कितना बड़ा एरिया यार ये, अभी तो और बड़ा एरिया है, मैंने आपको दिखाया नहीं है। लेफ्ट साइड जाके, अब लेफ्ट साइड जाएंगे, उससे पहले यहाँ पर टॉर्च प्लेस कर देते हैं फटाफट से। अब ये कीड़ा कहाँ से आ गया, ये मतलब फिर से आ गया यार, कोई नहीं भाई कितने सारे रास्ते हैं यार इधर से उधर जाने के लिए। चलो कोई नहीं, इस तरफ जाके देखता हूँ। ओह भाई साहब डायमंड है यार यहाँ पे, तो भाई डायमंड है, डायमंड 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 निकालो भाई, डायमंड निकालो जल्दी से फटाफट से, डायमंड निकालो भाई। इसमें मैंने, अच्छा इसमें लगाई हुई है ना फॉर्चून, ठीक है यार मुझे दो ही मिले हैं यार अभी भाई, तो गड़बड़ है ना, मुझे चार मिलने चाहिए थे। चलो कोई बात नहीं, और देख लेते खोद के यहाँ पे है और है क्या डायमंड। अबे नहीं है यार डायमंड यार, चलो कोई बात नहीं जल्दी निकलते ऊपर की तरफ। और भाई सर जाते हैं यहाँ पे, गोल्ड मिल गया मुझे, थोड़ा सा गोल्ड ले लेते हैं। ये ले भाई एक ही गोल्ड निकला यार, नीचे जाकर देखता हूँ। आगे तो कुछ भी नहीं है यार, रास्ता बंद है। चलो कोई नहीं, ऐसे टॉर्च लेके वापस निकल लेते हैं, थोड़ा खाना वाना खाते हुए। और भाई फटाफट से यहाँ पे देख रहे हैं, और गोल्ड तो नहीं है, एक ही गोल्ड था यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, और आगे तरफ मैं सोच रहा निकल लेता हूँ फटाफट से। और भाई यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, और सामने की तरफ एक गोल्ड है लेफ्ट साइड ऊपर, लेकिन भाई उससे पहले सामने वाली लोकेशन पे मैं जाना चाहता हूँ, इसलिए जंप करके मैं नीचे आ चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे एक और बोगी मिल चुकी है, मतलब यहाँ पे तीसरी बोगी मुझे मिल चुकी है। और यहाँ पे देखो क्या क्या है, कोल है, गोल्ड है, और यहाँ पे भाई यहाँ पे मुझे आयरन भी मिल गया, और यहाँ पे ब्रेड भी मिल चुके हैं, और यहाँ पे मुझे पावर्ड रेल और ओनली रेल भी मिल चुकी है। तो क्या उससे पहले यहाँ पे मुझे एक और आइटम भी मिला हुआ है, ये नेम टैग है, शायद नेम टैग भी रखा हुआ है, तो भाई इसको मैं लेने वाला हूँ। मेरा बैग फुल हो चुका है यार पूरा पूरा, भाई कौन सा सामान कहाँ पर रखूँ, इसको हटा देता हूँ ना, पिकेक्स को हटा देते हैं क्योंकि इसकी हेल्थ भी ख़त्म हो चुकी है। चलो कोई नहीं, कोल ले लेते हैं, और भाई इसको मैं बाद में लेने आता हूँ। फटाफट से मैं इस तरफ आ चुका हूँ दौड़ते हुए फिलहाल तो। ओ भाई यहाँ पे इसको हटा यार, इतनी सारी टॉर्च भाई वेस्ट नहीं करनी है मुझे, क्योंकि टॉर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पे गोल्ड है, इस गोल्ड को मैं भूलने वाला नहीं हूँ, इसकी पहले बैंड बजा के लेके जाता हूँ इसको, है ना। तो कैस फटाफट से ले लेते हैं इसको। ओ भाई इतना सारा गोल्ड है यहाँ पे, तो भाई गोल्ड यार जब मैं ढूंढने जाता हूँ तो मिलता नहीं है। और भाई तो धड़ाधड़ मिले जा रहा है अब तो। चलो कोई नहीं भाई, मैं बढ़िया लोकेशन पर आ गया हूँ ना, इसलिए मिल रहा है मुझे गोल्ड यार, है ना, ये तो फ़ायदा ही है। चलो कोई नहीं भाई, इस तरफ से निकलते हैं और यहाँ पे देखते हैं आगे जाकर। अभी यहाँ पे एक और बोगी भाई, मुझे इस बार चौथी बार बोगी मिल गई है यार यहाँ पे, भाई मज़ा आ रहा है यार मेरे को तो। अब देखते हैं इसके अंदर क्या मिलेगा हमें, है ना, फटाफट से बिना किसी देरी के देखते हैं। ओ भाई यहाँ पे मुझे गोल्डन एप्पल मिल गया, और भाई यहाँ पे पावर रेल भी है, और रेल भी खाली है, रेल भी है, और यहाँ पे गोल्ड निगेट मिल चुके हैं, और यहाँ पे क्या है, एक्टिवेटर रेल, डिटेक्टर रेल क्या होती है भाई पता नहीं यार। चलो कोई नहीं, ले लेते हैं भाई जो भी है। और भाई यहाँ पे मेरा बैग फुल हो चुका है फिलहाल, मैं दौड़ते हुए आ चुका हूँ इस तरफ अपने घर के साइड पे, क्योंकि यार वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरा बैग फुल हो चुका है, इसलिए भाई यहाँ पे खाली करने के लिए आ चुका हूँ अपने बैग को। और यहाँ पे जल्दी से इस चेस्ट को खाली कर लेते हैं। तो भाई फाइनली मैंने अपने इन्वेंट्री को खाली कर तो लिया है, थोड़ा बहुत स्पेस बन पाया, लेकिन सामने वाली चेस्ट भी भर चुके हैं। मुझे लगता है एक और चेस्ट मेरे को बनानी पड़ेगी यहाँ पे, फटाफट से क्रिएट करनी पड़ेगी। और भाई मैं यहाँ पे फॉर्चून 3 भी अब यहाँ पे लगाने वाला हूँ, इस डायमंड वाले पे तो लगी पड़ी है, मैं सोच रहा हूँ कि आयरन वाले पे लगा ले, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा आइटम मिल सके डबल, है ना, इसीलिए। तो गाइस फटाफट से मैं फॉर्चून 3 भी लेके आनी पड़ेगी घर से, मैं फटाफट से लेके आता हूँ, है ना, उससे पहले यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ। चलो भाई हाँ डायमंड पे तो लगी पड़ी, और फाइनली वो मैंने इस पर भी लगा ही दिए, देखो गाइस लगी हुई है भाई, मैंने इसको ली नहीं थी यहाँ से, रखी हुई थी ना। चलो कोई बात नहीं, फटाफट से भाई हम यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे मैं वापस दौड़ते हुए आ चुका हूँ जहाँ पे भाई मैंने इसको बोगी को छोड़ा था। और यहाँ पे भाई मुझे यहाँ पे ग्लो बेरीज भी मिल चुकी हैं, ये पता नहीं किस यूज़ में आएगा, लेकिन फिलहाल मैं ले लेता हूँ सारा आइटम जो भी है। इसको तोड़ते हैं फटाफट से, और यहाँ पे कलेक्ट हो चुकी है माइंड क्राफ्ट चेस्ट, इसका नाम है माइंड क्राफ्ट चेस्ट है नाम।
ठीक है पूरा नाम। तो गाइस फटाफट से ऐसे वापस निकल लेते क्योंकि आगे तो कुछ था ही नहीं, और यहाँ पे भाई कितनी सारी लकड़ियाँ लगी हुई हैं, मतलब बॉक्सेस की कितनी सारी लकड़ियाँ हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, नीचे की तरफ निकलते हैं पहले। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है यार, डायमंड मिल जाता है यार। ओ अबे मैंने मुझे बोल रहा था भाई डायमंड मिल गया, अबे यार। चलो भाई यहाँ पे देख लो गाइस, एक डायमंड आ चुका है अभी मेरे पास फिलहाल। तो यहाँ पे और देख लेते हैं यार, और भी एक डायमंड भाई, डायमंड मिल जाए यार, डायमंड 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 डायमंड। अबे यार यहाँ पे एक किस्मत ही ख़राब है भाई, यहाँ पर एक ही डायमंड आया यार, यहाँ पर तो डायमंड ही नहीं मिल रहा। चलो कोई नहीं भाई, फटाफट से भाई यहाँ पे इसको ले लेते हैं। चलो जो भी है यहाँ से निकलते हैं भाई फटाफट से इसको लेके। आ जा भाई तू मेरे हाथ में आ जा, और इसको भी ले लेते हैं। अब चलते हैं भाई ऊपर की तरफ। तो गाइस पॉइंट, ओ भाई नीचे खाई में गिर जाता है यार मैं अचानक से। मैं उस सामने वाली साइड से आया था, वहीं से अभी जहाँ से अभी आया था, और वहाँ से मैं इस तरफ आ रहा था। ओ भाई यहाँ से मैं नीचे गिर जाता, यहाँ देखा था खड्डा हुआ पड़ा था। कोई दिक्कत नहीं, सामने से आया था ना इधर। चलो कोई नहीं, अब भाई यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर रेल ट्रैक तो भाई बहुत ज़्यादा बिछी हुई है, इनको सबको मैं कलेक्ट करूँगा बाद में। उससे पहले यहाँ से निकलते हैं इस वाली साइड पे भाई, अभी एक्सप्लोर करते हैं बढ़िया से, क्योंकि यार सामान भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा भर भर के मुझे मिलने वाला है। आप तो देख ही पा रहे हो भाई कितनी तगड़ी लोकेशन, बड़ी बड़ी लोकेशन है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। देखो भाई कहाँ तक ये एरिया भाई साहब, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है अब तो भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे लगता है ओ भाई नीचे भी जाकर देखना पड़ेगा ना क्या क्या चीज़ है। ओ भाई नीचे भी है यार, चलो कोई बात नहीं भाई, नीचे तरफ भी जाना पड़ेगा मुझे। मैं सोच रहा पहले ऊपर की तरफ जाता हूँ। तो अगर फटाफट से मैं ऊपर की तरफ आ चुका हूँ, यहाँ पे भी रेल ट्रैक बिछे हुए हैं, यहाँ पे मैंने टॉर्च प्लेस कर दिए, और यहाँ पे तो कुछ है नहीं ऐसा। चलो कोई नहीं, यहाँ पे रेल ट्रैक है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे एक टॉर्च प्लेस कर देते भाई फटाफट से। पहले मैं सोच रहा हूँ यहाँ से निकल लेते घर की तरफ वापस, क्योंकि उससे पहले यार इसको पहले तोड़ते हैं यार। यहाँ पे लैपे लूज थोड़ा मिल चुका है, इसको ले लेते हैं। और भाई यहाँ से मैं सोच रहा हूँ निकलने की, यहाँ पे इतने सारे जाले लगे हुए हैं, यहाँ पे कोई स्पॉइनर है क्या भाई, पता ही नहीं। फिलहाल तो मैंने टॉर्च लगा दी, इसको बाद में देखेंगे, उस तरफ चलते हैं पहले। चलो भाई जल्दी दौड़ते हुए। ओ यहाँ पे मुझे एक और भाई यहाँ पे बोगी मिल चुके हैं भाई, मुझे यहाँ पे फिफ्थ नंबर की बोगी मिल गई यार, पांचवी बार बोगी मिल गई भाई मुझे इसके अंदर। तो गाइस भाई मज़ा ही आ रहा है तो लूटने में। ओ भाई भाई इतने सारे रील रील मिले जा रहे हैं आज तो भाई मौज हो गई भाई। इसका मतलब मैं बहुत जल्दी भाई यहाँ पे मुझे आयरन की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे मैं भाई अपनी मतलब रेल में बनाने की सोच रहा था, लेकिन मुझे यार यहीं पे मिल गया यार, और क्या चाहिए। और भाई बाकी कम पड़ेंगे तो हम ले लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर रेल ट्रैक भी बहुत बड़ा बनाने वाले हैं, जिससे कि मैं अपना आइटम यहाँ से ईजिली वहाँ पर ले जा सकूँ, जितना भी मैं यहाँ से इकट्ठा करूँगा सामान, या फिर मैं वैसे ले जाऊँगा, देख लेते हैं ना भाई। मैं रेल ट्रैक तो बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ, दूर दूर स्टेशन बनाऊंगा, जिससे कि भाई मैं वहाँ पे इजीली जा सकूँ। ओ भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको आगे वाली वीडियो में, तो मुझे पता ही है। लेकिन भाई यहाँ पे इसको तोड़ लेते हैं फटाफट, और यहाँ पे इधर से निकलते हैं सामने की तरफ। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ इसको तोड़ ही दूँ क्या, चलो यार उससे पहले यहाँ पे निकलते हैं इस तरफ दूसरी साइड पे। ओ भाई यहाँ पे भी मेरे को एक और बोगी, सिक्स नंबर की बोगी मिल चुकी है भाई। ओ भाई इसके अंदर भी भाई ब्लू बैरिज मतलब ग्लो बैरिज, और यहाँ पे एक्टिवेटर रेल और रेल मिल चुकी है भाई बहुत ज़्यादा। ओ भाई जल्दी ले लो सारा भाई, बैग तो मेरा फुल हो चुका है, कहाँ पर रखूँगा सामान। चलो कोई नहीं भाई इसको अबे यार गलती से टूट गई मेरे से यार, एक ही टच में टूट गई भाई ये तो। यार ऐसा मत करो भाई, अब सामान कहाँ रखूँगा मैं, सारा सामान बिखर गया यहाँ पे। तो ये भाई मैंने इसको तो फेंक दिया एक्स को, चलो कोई दिक्कत नहीं, पिकैक्स को मैंने फेंक दिया क्योंकि ज़रूरत नहीं है। और भाई फिलहाल तो मैं माइनक्राफ्ट की चेस्ट वाली ले लेता हूँ, है ना, माइनक्राफ्ट चेस्ट ले लेता हूँ फटाफट से। इसको कैसे कलेक्ट करूँ, क्या फेंकूँ, चलिए ये फेंक देता हूँ। वो फाइनली भाई यहाँ पे मेरे पास कलेक्ट हो चुके हैं, यहाँ से निकलते हैं फटाफट से, क्योंकि अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ से निकलते हैं भाई। मैं जा रहा हूँ सीधा भाई अपने उस तरफ वापस, जहाँ से मैं सामान अपना स्टोर कर रहा हूँ उसी तरफ जाता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक चेस्ट को भी क्रिएट कर लिया है। जल्दी फटाफट निकलते हैं, और सारा का सारा सामान मैं वहाँ पर रखने वाला हूँ। तो गाइस फाइनली मैं अपने दौड़ते हुए इस तरफ आ चुका हूँ अपने इस घर की साइड पे। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ घर मेरा कौन सा है, जहाँ पे मैंने अपनी चेस्ट रखी हुई, छोटा सा घर बन चुका है फिलहाल तो। तो गाइस फाइनली भाई यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ, और यहाँ पे भाई मुझे चेस्ट फटाफट से क्रिएट करनी पड़ेगी भाई, बहुत ज़्यादा सामान हो गया क्योंकि भर चुका है पूरा बैग। और मैं सोच रहा हूँ इसको और बड़ा चेस्ट बना दूँ, यहाँ पे लार्ज चेस्ट बनाना पड़ेगा इसको, है ना। तो गाइस फटाफट से इसको रख देते हैं जितना सामान यहाँ पे आ पाता है, जल्दी रख दे भाई जल्दी रख। वो यार इतने सारे लैपे लूजेज हो गए ना मेरे पास भाई, बहुत ज़्यादा हो गए। चलो कोई नहीं भाई, यहाँ पे देख लो कितना ज़्यादा बैग भर चुका है मेरा फुल एंड फुल। चलो कोई बात नहीं भाई, फटाफट से इसको, अबे सो नहीं पा रहा हूँ क्या, अरे रात नहीं हुई क्या भाई, पता नहीं चलता भाई केव के अंदर आते भाई रात हो रही है दिन हो रहा कुछ नहीं पता यार। चलो कोई नहीं, फाइनली भाई यहाँ पे मैंने यहाँ पे यार इसको भाई यहाँ पे मैंने बिल्ड कर लिया, जितना आइटम था वो सारा मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। अभी और बहुत सारा आइटम रह रहा है, जिसे वो कि मेरे को कलेक्ट करके लाना पड़ेगा। तो गाइस मैं आपको आज यहाँ पे दिखाने वाला मैंने कितना आइटम यहाँ से कलेक्ट करा है। तो गाइस दिख रहे हो भाई यहाँ पे भाई ओक फैंस भाई वो कितने सारे मिले हुए हैं स्टैग में। ओ भाई यहाँ पर रेल देखो कितनी, रेल मेरे को कितनी सारी मिली हुई हैं, और माइनक्राफ्ट चेस्ट भी कितनी सारी है, रेस्ट ऑन डस्ट है, और ब्लू बेरीज हैं, ब्लू बेरीज नहीं गोल्ड ग्लो बेरीज हैं, और यहाँ पर चेन भी भाई इतनी सारी इकट्ठी कर ली है मैंने। तो अभी आपको दूसरे चेस्ट में दिखाता हूँ मेरे को क्या क्या मिला यार, अभी आपको डायमंड भी दिखाता हूँ। ये कौन था भाई,
चलो कोई नहीं, चलो भाई यहाँ पे मैं आपको डायमंड दिखा देता हूँ मैंने कितने डायमंड कलेक्ट करे, वो भी फॉर्चून 3 की मदद से। तो गाइस देखो 48 डायमंड हो चुके हैं भाई। और तो भाई जल्दी से यार यहाँ से मैंने आपको दिखाई दे कितना सारा आइटम मुझे मिल चुका है यहाँ पे भाई, बहुत ज़्यादा मजा आ गया इस केव के अंदर से लूट करने में। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा लूट रह रही है, फॉर्चून 3 मैंने यहाँ पे लगाई हुई है पिकैक्स के अंदर, जब भी तो मैंने भाई इतना सारे डायमंड इकट्ठे कर पाया हूँ इसके यहाँ से। भाई मैंने कुछ भी खुदाई नहीं करी, साइड से बस मैंने डायमंड ज़्यादा मुझे दिख रहा था भाई, वहाँ से मुझे एक या दो दो डायमंड मिलते जा रहे थे, तीन तीन भी मिल रहे थे एक बार में। मैं आपको अभी फिर से दिखा दूंगा लाइव तो भाई कैसे है वो, है ना। तो गाइस फटाफट से मैं सोच रहा हूँ भाई दूर कितना नीचे मैंने यहाँ पे सारी जगह पे भाई टॉर्चेस प्लेस तो कर दे भाई, नीचे अंदर निकल लो यहाँ से। इसकी आंखों में देखेंगे ना भाई वैसे ही हमें मारने लग जाता है, ये एंडरमैन है। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल तो ये मॉब्स आ चुका है, ये बहुत ज़्यादा आवाज़ें कर रहे हैं भाई, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। इनकी बैंड हो जाता हूँ पहले, इस स्लाइम बॉल वाले मॉन्स्टर है ना वो ज़्यादा आवाज़ करते हैं, चप 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 आवाज़ आ रही है इनकी बहुत ज़्यादा। वो भाई देखो सारी जगह पर टॉर्च प्रेस कर दे जहाँ तक हो सकता है अभी भाई, बहुत ज़्यादा आधा रास्ता तो मैंने देखा ही नहीं अभी इसका। तो गाइस यहाँ पर नीचे देखो क्या हो रहा है, चलो भाई आपको नीचे भी दिखाई देता हूँ कि क्या सीन है। यहाँ पे मैंने सारी जगह टॉर्च प्लेस कर दी है भाई, बहुत टाइम लग गया इसमें। ये ले भाई नीचे जंप करके आ चुका हूँ, और यहाँ पे देखो सारे में भाई कितने सारे टॉर्च प्लेस कर दिए मैंने भाई, मेरे टॉर्च भी खत्म हो गई है यहाँ तक की। और भाई देखो गाइस पूरे में रोशनी रोशनी कर दी बढ़िया वाली, यहाँ पे देखो इधर से निकलता हूँ। और भाई देखो अब कितनी बड़ी लोकेशन है यार, बहुत बड़ी केव है यार ये, बहुत ज़्यादा बड़ी। और मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला, अभी तो दो ही लोकेशन हुई है अपनी, अभी दो लोकेशन और बाकी आपको देखने के लिए भाई, एक्साइटमेंट बनी रहेगी, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा भाई, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और फिलहाल मैं आपको नेक्स्ट लोकेशन भी अभी यहाँ पे इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और भाई मैं सोच रहा हूँ नीचे चले जाऊँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा रेड स्टोन डस्ट रखा हुआ है नीचे, मैंने कलेक्ट क्यों नहीं करा यार अभी तक, मुझे लगता है दोबारा बंद तो नहीं जाते हैं ऑटोमेटिक ही भाई, पता नहीं है। तो नीचे मैं सोचा जंप कर लेता हूँ फटाफट। ये ले भाई फाइनली मैं नीचे जंप करके आ चुका हूँ। ओ भाई थोड़ी सी चोट लग गई है, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल मैं फटाफट से ये ले लेता हूँ। यहाँ पर रेड स्टोन डस्ट देखो भाई कितना खुला एरिया है, देख रहे हो। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा कि मैं जहाँ से मैं आया था ना उस रंग से ये कनेक्ट हो चुकी है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ आगे जाके। उससे पहले यहाँ पे पहले रेड स्टोन डस्ट जितना भी है सारा कलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्चून 3 से कलेक्ट करूँगा तो भाई ज़्यादा देखो अभी 5 आए ना, वैसे नॉर्मली पिकअप से करते हो तो आप 4 आएंगे आपको, ठीक है। वो भाई 2 करते भाई यहाँ पे 11 हो गए हैं, लेकिन भाई फिलहाल ये मेरी बैंड में जा रहा है, इसको पहले पेलते हैं। अबे हट यहाँ से तू, ये ले भाई स्लाइम बॉल वाले बहुत ज़्यादा परेशान करे, पर खास से स्पॉन होने लग गए यार ये, वैसे ढूंढने से भी नहीं मिलते थे पहले ये भाई, अभी अपडेट हो गया ना तो जब से भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया हो चुका है, अब स्लाइम बॉल की कमी नहीं रहती है। चलो कोई नहीं भाई, इनकी बैंड बजाते हैं फिलहाल। अबे आ जा तू, हट यहाँ से। तो भाई ये तो गया काम से, वो भाई फटाफट से मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे इसको भी तोड़ लेते हैं फटाफट से। ये ले भाई, ये ले तू। ओ भाई यहाँ पे इसको भी भाई तोड़ दिया भाई, इतना सारा मैंने तोड़ दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और फिलहाल यहाँ से मैं सोच रहा हूँ कि खाना खा के, और यहाँ पे सामने की तरफ और भी रेड स्टोन डस्ट दिखाई दे गया मुझे। फिलहाल तो यहाँ पे आयरन को भी ले लेते भाई, देख रहे हो गाइस आयरन भाई, यहाँ पे आयरन भी भाई मुझे एक की जगह दो दो मिलेंगे और तीन मिल सकते हैं। देखो गाइस पहले देखते रहो आप, अब मेरे कितने कलेक्ट होते हैं, है ना। अभी तो दो ही आयरन है, दो ही तोड़े मैंने, है ना, 4 यहाँ पे देखो बॉक्स, और यहाँ पे देखना आप कितने हो जाएंगे, 3 हो गए, अभी डायरेक्ट 6 हो गए हैं। देखो 4 तोड़ते 6 हो गए, 2 बढ़ गए और, है ना। और भाई ये चीज़ है यार इसकी फॉर्चून 3 की, भाई ये 2 भी दे सकता है 3 भी दे सकता है, क्योंकि फॉर्चून 3 लेवल तक है, जितने लेवल तक रहेगा उतने लेवल तक आपको ये दे देगा। फिलहाल तो फिलहाल इसको भी तोड़ लेते हैं। ये लो भाई रेड स्टोन डस्ट तो भाई दुनिया भर का लेना पड़ेगा हमें, और वैसे है मेरे पास, लेकिन और भाई बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा, तो भाई ये काम आएगा बहुत ज़्यादा, है ना। तो इसलिए फटाफट से भाई इसको ले लेते हैं। ये लो भाई यहाँ से भी कलेक्ट करते हैं, यहाँ से भी कलेक्ट कर लेते हैं भाई। यहाँ पे सारा का सारा रेड स्टोन डस्ट था जितना भी था, मैंने यहाँ पे सारा कलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे स्लाइम बॉल घूमने जा रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सामने चलते हैं। ओ भाई यहाँ से लोकेशन देखो क्या लग रही है, खतरनाक भाई, सबसे खतरनाक केव के अंदर आ चुका है। कोई बात नहीं भाई, मैं यहाँ इस वाली लोकेशन की बात कर रहा था, मैं उस तरफ से आया था उस टाइम पे, और मैं इस तरफ गया था सामने की तरफ, मैंने वहाँ पर लास्ट टाइम में टॉर्च भी प्लेस कर रखी है, और मैं वहाँ पर आपको सीक्रेट लोकेशन दिखाने वाला हूँ, जो कि मैंने आपको शायद उस वाली वीडियो में दिखा दी थी पिछली वीडियो में, है ना, जब मैं आपसे कह रहा था कि मैं बाद में जाऊंगा, क्योंकि मेरे टॉर्च नहीं थी, और टॉर्च तो आज भी नहीं है क्योंकि यार मैंने सारे टॉर्च यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं और मेरे पास खत्म हो चुकी है। तो गाइस मैं सोचा थोड़ा आगे भी जाऊंगा बाद में, जब मेरे पास टॉर्च रहेगी और आगे एक्सप्लोर करेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में, है ना, देखेंगे भाई वहाँ पे क्या मिलेगा। तो फिलहाल चलते हैं सामने की तरफ जहाँ पे मैंने लास्ट टाइम टॉर्च प्लेस करी थी, और चलते हैं उस तरफ। देखिए भाई देखो भाई तीर लगी पड़ी है पहले वाली, भाई पहले की तीर लगी पड़ी जब मैंने यहाँ पर टॉर्च प्लेस करी थी। तो गाइस सामने वाली लोकेशन आप देख पा रही हो, यहाँ पे तीसरी चीज छोटी सी बिग लोकेशन नहीं है, छोटी सी लोकेशन है, और यहाँ पे कितने ज़्यादा खाई है यार तगड़ी वाली, और यहाँ पे लावा भी है, सामने भी लावा है जहाँ पे मुझे जाना है। लेकिन भाई मेरे पास टॉर्च नहीं है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा दिखाई दे रहा है आगे की तरफ, और यहाँ पे थोड़ा सा रेड स्टोन डस्ट भी दिखाई दे गया मुझे नीचे। वो भाई इसको पता नहीं कलेक्ट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अगर मैंने यहाँ पे इसको कलेक्ट कर लिया ना तो यहाँ पे सारी की सारी रोशनी खत्म हो जाएगी, मतलब समझ रहे हो ना, जो ग्लो आ रहा है यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है भाई, यहाँ पे बहुत अंधेरा हो जाएगा अगर मैंने इसको तोड़ दिया तो, क्योंकि यार इसी वजह से रोशनी हुई पड़े यहाँ पे।
तो फाइनली भाई नीचे जम करके आ चुका, इसको तोड़ के देखता हूँ फटाफट से। अबे यहाँ पे अंधेरा हो गया थोड़ा सा, अबे भाग गया ऐसे, मॉब आ गया यार। ओ यहाँ पे क्रीपर फट गया। अबे यार यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर है, स्केलेटन भी है। अबे भाग गया ऐसे, चल 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 भाई, अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा है, अंधा धुंध आ गया मैं अंदर। और यहाँ पे भाई मुझे कुछ इस टाइप के यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स दिख रहे हैं। तो भाई यहाँ पे बढ़िया से भाई डेकोरेशन के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, इसका नाम पता नहीं क्या है, लेकिन भाई इसको मैं कलेक्ट करने वाला हूँ, देखते हैं भाई कितना हार्ड है। और भाई फटाफट से देखते हैं, सॉफ्ट है हार्ड देखना पड़ेगा ये तो। और भाई सामने देखो कितना बड़े फ्लावर भी है, चलो कोई नहीं भाई इसको तोड़ते हैं। वो ये तो भैया नई मुक्के में टूटे जा रहा है तो आराम से। और भाई यहाँ पे कलेक्ट भी हो गया भाई, ये है क्या देखते हैं, ये मोस्ट ब्लॉक है इसका नाम। और यहाँ पे भाई ये पता नहीं क्या है, एज लाइज पता नहीं क्या था ये, चलो कोई नहीं भाई फटाफट से जो भी है कलेक्ट कर लेते हैं भाई, ये डेकोरेट के काम आ जाएगा यार, मुझे तो ये लग रहा है भाई। फटाफट से जितना भी यहाँ पर सारा तोड़ लेता हूँ फटाफट से, टॉर्च भी नहीं है मेरे पास। और भाई मैं नीचे यूँ ही आ गया भाई खतरे में। और भाई यहाँ पे मेरी बैंड बज सकते हैं, लावा भी है यहाँ पे। और भाई यहाँ पे मॉब्स ने मेरी बैंड बजा दी ना, तो भाई यहाँ पे तो मेरा सारा सारा सामान यहीं रह जाएगा, फिर पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, देख लेंगे। फिलहाल तो भाई काफ़ी आइटम है मेरे पास यार, चलो कोई नहीं यहाँ पे फटाफट इसको तोड़ लेते हैं भाई, जल्दी जल्दी तोड़ते हैं। तो कहीं ये मैं आपको तीसरी लोकेशन दिखा रहा हूँ, अभी चौथी लोकेशन दिखानी बाकी है यार। वो भाई बहुत ज़्यादा, तो वो तो भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया है, अभी मैं आपको दिखा दूँगा फटाफट से। पहले यहाँ पे इसको सारा कलेक्ट कर लेते हैं, और भाई यहाँ पे जितना भी है ना सारा कर लेता हूँ कलेक्ट। तो गाइस फाइनली यहाँ पे देखो कितना सारा मैंने कलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे कितना सारा, अभी जितना भी ले लेते हैं यार, लावा को छोड़ दूंगा बस। लावा को मैं बुझाना नहीं चाहता क्योंकि यार यहाँ पे रोशनी नहीं रहेगी ना, तो मैं भाई कैसे। अबे हट जा मॉन्स्टर, अबे तू हट जा मॉब्स, ओ तेरे को भाई लावा में गिरा दिया उसने। अबे पागल हो गया क्या तू, अबे खजूर कहीं के कहाँ गए, इसकी बैंड बजाता हूँ। तूने मुझे लावा में गिराया था, ले तू मर भाई, इसने मेरी इतनी हेल्थ ले ली यार लावा ने। चलो कोई नहीं भाई, मॉन्स्टर दौड़ रहे हैं आगे की तरफ भाई, मुझे बच के रहना पड़ेगा लावा में ना गिरा दे भाई। इस बार तो गिर गया मैं, एक बार ही बच गया, लेकिन ये सही है भाई, गहरा नहीं था, गहरा होता तो मेरी अब तक बैंड बच जाती, लेकिन सामने तरफ से आ रहा है ना ऊपर से, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से भाई इसको कलेक्ट कर लेते हैं, और जितना भी है ये मॉस नाम है भाई इसका। तो भाई जल्दी फटाफट से मॉस ब्लॉक ले लेते हैं जितना भी है, और यहाँ पर आयरन भी कुछ मिल चुका है, कोई बात नहीं भाई। फटाफट से मैं सोच रहा हूँ इसको कलेक्ट कर लेता हूँ, ये लो भाई जितना भी है कलेक्ट करो, ये लो। और सामने से स्पाइडर आ रही है यार, ओ भाई स्पाइडर आ रही है, पीछे हो जा भाई, लावा में गिरा दे। उतर के ये कौन आ रहा है, अब इसके ऊपर बैठ कर, अब सवारी कर रहा है, घोड़ा आया क्या तेरा है, ये घोड़ा है क्या तेरा, अब हट रहा है। ओ भाई ये खतरनाक है भाई, छोटा वाला ये मारता बहुत है। अबे अभी तो ऊपर से मार रहा था, अब देखो कैसे मार रहा है। अब यार मेरा एरो ढंग से क्यों नहीं लग रहा है, अब यार मेरी स्क्रीन नहीं मुड़ रही भाई, क्या हूँ कह रहा है, अब टेढ़ा मेढ़ क्यों मार रहा हूँ मैं भाई। अभी मेरी बैंड बचा देता सिर्फ, उसकी हेल्थ रह गई थी मेरी, चलो कोई नहीं भाई बच गया मैं इससे, नहीं तो भाई यहाँ पे मेरी तो खोपड़ी खोल देता है बढ़िया वाली। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से जल्दी से जितना भी मॉक्स ब्लॉक है ये सारा ले लेते हैं, और यहाँ से फटाफट से मैं दौड़ते हैं वहाँ से, जितना भी कलेक्ट करना था मैं कर लिया, और यहाँ पे वापस आ चुका हूँ क्योंकि भाई मैं टॉर्च नहीं, और यहाँ पे माउस भी आए जा रहे थे, इसलिए भाई मैं परेशान हो रहा था, इसलिए भाई फटाफट से मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। लेकिन दोनों बैग ये भी लार्ज वाली चेस्ट भी फुल हो चुकी है भाई, इतना सारा आइटम मुझे यहाँ से मिल चुका है। अभी तो भाई चौथी लोकेशन में जाने वाले हैं, सीक्रेट लोकेशन में, तो कैसे फटाफट से चलते हैं, उससे पहले यहाँ पे सारा सामान रख देते हैं और सीधा फटाफट से उसी लोकेशन में पहुँचते हैं ना, बिना किसी देरी के। चलो भाई यहाँ पे थोड़ा सा और आइटम है, इसको भी रख देता हूँ, और फिर यहाँ से निकलते हैं जल्दी से। रेस्ट ऑन डस्ट जितना भी है भाई यहाँ पे सारा, पहले मैं ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको, जिससे कि भाई यहाँ पे स्पेस बना रहे है ना। तो भाई यहाँ पे धीरे धीरे मैं रख तो दिया यहाँ पे, और जल्दी से यहाँ पे ब्लॉक्स बना लेते हैं इसके भी, ये ले भाई रेस्ट ऑन डस्ट के मैंने बॉक्स बना लिए, जिससे कि भाई अपना स्पेस बना रहे, और यहाँ पे ये बढ़िया वाली बात हो जाती है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इसको रख देते हैं बॉक्स को यहाँ पे, ओ भाई यहाँ पे भी रख देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। फटाफट यहाँ से निकलते हैं अपनी न्यू लोकेशन के पास में, क्योंकि यहाँ पे अपना सारा काम हो चुका है। यहाँ पे एक टॉर्च लेते हैं भाई, एक भी टॉर्च नहीं है मेरे पास अभी तक। तो गाइस फाइनली मैं इस तरफ भी आ चुका हूँ अपने एक टॉर्च लेके, और यहाँ पे इस लोकेशन पे, लेकिन यहाँ पे इतने सारे मॉब कहाँ से आ गए यार, अब तेरी बैंड बजाता हूँ, रुक रुक। अब स्केलेटन तू हट जा से, हट जा से, भाग 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 भाई, मैं पीछे की तरफ वापस जा रहा हूँ भाई, जहाँ से मैं आया था मैं वहीं पर आ चुका हूँ, ये वही वाली लोकेशन है, यहीं पर मैं आपको छोटा सा एक दिखाने वाला हूँ प्यारा सा, कि भाई ये लोकेशन कि यहाँ पे मुझे जो आइटम मिला है, उस आइटम का नाम मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन भाई मैं आपको दिखा दूंगा। ओ भाई आ रहा, अबे तू हट यहाँ से, तू आ जा, तू आ, ये ले ये गया एक में, और ये ले अबे तेरी तो, ये गया और ये भी, ये ले गया, अबे जाना यहाँ से निकल भाई, यहाँ पे ये मर चुके हैं। चलो भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है दोबारा, हट यहाँ से। वो यार इस स्लाइम बॉल भी आ रही सामने, मतलब स्लाइम मॉन्स्टर आ रहा है, और उसमें बैंड बजाता हूँ, स्लाइम बॉल लेते हैं इससे। अबे हट जाए और चिरकुट यहाँ से, चलो भाई यहाँ से निकल चुके हैं। और भाई यहाँ से आपको पता ही है, यहाँ पे थोड़ी टॉर्च और ले लेता हूँ भाई, यहाँ से मैं आपको पता है जंप करके आया था ना, सामने लावा देखा था, इस साइड से ही साइड पे एक छोटी सी लोकेशन है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और भाई बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो बस फटाफट से निकलता सामने की तरफ, और यहाँ पे चलो भाई यहाँ पे मैंने टॉर्च प्लेस कर दी, और ये वाली वो लोकेशन मैं दिखा रहा था, ये आइटम है भाई, पता नहीं कौन सा आइटम है ये, और भाई मुझे यहीं पे इजीली मिल गया था। इससे पहले भी मुझे एक ऐसी लोकेशन मिली थी, लेकिन मैं उसमें वीडियो नहीं बना पाया था, वो मैंने कलेक्ट करके घर पे रख लिया है।
तो गाइस फिलहाल आज मैं आपके वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि ये भाई कलेक्ट करूँगा, लेकिन पता नहीं इनका नाम क्या है भाई, वो देखना पड़ेगा हमें। तो भाई फटाफट से मैंने टॉर्च भी ले लिया, मेरी टॉर्च गिरा दी इसने। हाँ भाई यार इसने खड्डा कर दिया यहाँ पे। चलो भाई यहाँ पे स्पेस तो भाई अपना बैग फुल ही रहता है यार, क्योंकि भाई सारा आइटम मैं भर के रखता हूँ। चलो कोई नहीं भाई, यहाँ पे टॉर्च प्लेस यहीं पे कर देता हूँ फिलहाल तो, और यहाँ पे इस ब्लॉक्स को तोड़ता हूँ। अब हट यहाँ से, ओ भाई अब हट यहाँ से मॉन्स्टर, अबे तू फिर से आ गया, अबे हट यहाँ से मॉब्स हट। तो गाइस फाइनली मैंने इसकी फिर से बैंड बजा दी है, और भाई यहाँ पे चलते हैं अब जल्दी से तोड़ते हैं ये वाइट वाइट पता नहीं कौन से बॉक्स हैं। और फॉर्चून 3 की मदद से तोड़ रहा हूँ मैं फिलहाल तो ऐसे ही। और यहाँ पे भाई दिख रही ये आवाज़ करे जा रहे हैं भाई, पता नहीं कैसे प्यारी सी ट्यून निकाल रहे हैं। चलो कोई नहीं भाई, तोड़ने पे ये आवाज़ निकालते हैं, और उसके ऊपर चढ़ रहा हूँ चल रहा हूँ जब भी आवाज़ निकाल रही है। चलो कोई नहीं फिलहाल तो, ये पता नहीं क्या ये ब्लॉक्स तो है, पता नहीं ये नहीं पता कौन से हैं भाई, जो भी है इसको कलेक्ट कर लेते हैं बाद में देख लेंगे जो भी है ना। तो भाई फटाफट यहाँ पे मुझे कुछ फ्लावर्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे लगे हुए, इनको भी भाई मैं कलेक्ट करने की सोच रहा हूँ। उससे पहले मैं अभी टॉर्च को ना अंदर लेके जाता हूँ, पहले खाना खा लेते हैं और भाई टॉर्च लेके जाते हैं अंदर, क्योंकि टॉर्च की कमी है भाई अपने पास, एक ही टॉर्च है, सारा काम करना पड़ेगा यहाँ पे भाई। बताओ कोल नहीं लेके आया मैं घर से। चलो कोई दिक्कत नहीं है यार, बहुत सारे टॉर्च बनाएंगे घर जाके फिर से, क्योंकि बहुत सारे टॉर्च बनाए थे सारी मैंने प्लेस कर दी थी वहाँ पे, इसलिए भाई एक भी टॉर्च में बची नहीं। और भाई यहाँ पे देखो कितना सारा आइटम रखा हुआ है यार, फटाफट से भाई तोड़ लेते हैं सोना बिना किसी देरी के। भाई यही थी अपनी फोर्थ लोकेशन जो मैंने आपको दिखा दी है, मतलब चारों लोकेशन मैंने आपको दिखा दिया। आपको वीडियो में मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये कैसा लगा यार, क्योंकि चार लोकेशन दिखा दी मैंने आपको बढ़िया वाली। और भाई फिलहाल तो यहाँ से मैं सोच रहा हूँ फटाफट से कलेक्ट करके निकल लेते हैं घर की तरफ ही सीधा, क्योंकि मैं जो ये वाला आइटम जो यहाँ से ले रहा हूँ ना अब, तो ये वाला आइटम भाई सीधा मैं घर पर रख दूँगा, और भाई वो वाला आइटम चेस्ट वाला वो बाद में लेके जाएंगे है ना। तो भाई जल्दी से फटाफट से यहाँ से ले लेते हैं, चलो जल्दी कर जल्दी कर जल्दी तोड़ दे सारे। ये ले भाई साइड से तोड़ता हूँ फटाफट से, तोड़ दे। हाँ ये ले भाई सारे यहाँ पर कलेक्ट कर लेते हैं फटाफट से, मैंने कलेक्ट कर ही लिया है। और यहाँ पे मेरी टॉर्च हाथ में क्यों नहीं आ रही, इसकी बैंड बजाता हूँ पहले। अब हट यहाँ से तू, हट चल यहाँ से। तो भाई ये तो गया। तो कैसे भाई मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यार डायमंड की वीडियो दिखाने वाला हूँ, मतलब डायमंड पे ही वीडियो बनाऊंगा इस बार। और भाई क्योंकि वहाँ पे मैं सोच रहा हूँ डायमंड मिल जाए, तो भाई देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में सोच रहा हूँ डायमंड की बनाऊँ है ना। तो कैसे फटाफट से फिलहाल तो यहाँ पे थिक रो भाई यहाँ से निकलता हूँ मैं, और भाई फाइनली मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ अपने घर की साइड पे जहाँ से मैं आया था। तो कैसे फाइनली अब चलते हैं यहाँ से ऊपर की तरफ, और भाई यहाँ पे मैं अपना जो मैंने हॉर्स डायमंड का आर्मर छोड़ा था ना हॉर्स का, तो भाई वो मेरे को लेके जाना पड़ेगा, मैंने वहाँ पे चेस्ट में रखा था, देखते गायब हुआ है या नहीं हुआ, तो भाई वो तो देखना बनता है। तो भाई फटाफट से निकलते हैं यहाँ से ऊपर की तरफ, और यहाँ से चलते हैं। ये लो भाई मैंने थोड़ी सीढ़ी सी बनाई हुई है यहाँ पे, वैसे पहले से ऑलरेडी बनी हुई है, जिसने मेरी वीडियो में देखा होगा पहले से ही तो भाई इसको पता होगा ये लोकेशन कौन सी है। तो गाइस ये बात बड़ी हुई कि मुझे यार यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी केव मिल चुकी है, मेरे को ज़्यादा खुदाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो गाइस जी तो भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गया, नहीं तो भाई मैंने पहले बिना विदाउट वीडियो के खेलता था मैं बहुत पहले, तो भाई उस टाइम तो भाई यहाँ पे हमें खुदाई करके नीचे जाना पड़ता था, केव मिलती थी लेकिन छोटी छोटी मिलती थी। चलो कोई नहीं आई ये टाइम टाइम की बात है, और यहाँ पे मैंने इसको फेंक दिया है, और यहाँ से चलते हैं इस तरफ। अब भाई फटाफट से अपना डायमंड का आर्मर फाइंड कर लेते हैं, देखते हैं है या नहीं है। ओ भाई चेस्ट में तो है यार, सही है भाई इसमें चोरी नहीं करा मेरा। चलो भाई यहाँ से निकलते हैं फटाफट से अपने घर की तरफ, तोड़ते हुए मैं आ चुका हूँ, और सारा का सारा जो भी आइटम मैं यहाँ पे आज लेके आया हूँ, और सारा का सारा आइटम भाई यहाँ पे चेस्ट के अंदर रख देते हैं फटाफट से। तो गाइस यहाँ पे देख रहे हो कितना सारा आइटम रखा हुआ है, देखो पहले से मैंने आपको बोला था यहाँ पे कलेक्ट करे हुए हैं, ये सारे इसमें रखे हुए हैं। तो गाइस इनको मैं सेट कर लेता हूँ फटाफट से, कर लूँगा बाद में, और फिलहाल तो मैं इसको यार सोच रहा हूँ यहीं पे रख दूँगा। चलो यार जो भी है यहीं पे रख देते हैं, नहीं तो भाई मैं इनको अलग चेस्ट में रखने वाला हूँ इन आइटमों को है ना, ये अलग ही रहेंगे तो अलग ही दिखेंगे। तो भाई चलो यार इसको वापस ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं चेस्ट में डाल दूँगा बाद में ना। तो गाइस फटाफट से आज की वीडियो में भाई इतना ही, आपको यार वीडियो आज की कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, अगर आपको यार आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चलिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।